हेलो दोस्तों, LIC ने अगस्त 2019 में एक नया टर्म प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है जीवन अमर। यह जीवन अमर प्लान LIC के दूसरे टर्म प्लान की तुलना में अलग है क्योंकि LIC ने इस टर्म प्लान में कई सारे ऑप्शन, कई सारे बेनिफिट्स ऐड किए हैं। उसमें से एक है कि पॉलिसी पीरियड में सम एश्योर्ड अमाउंट बढ़ते रहेगा जब तक कि सम एश्योर्ड डबल ना हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा LIC के इस दो ऑप्शन जिसमें सम एश्योर्ड पूरे पॉलिसी पीरियड में समान रहेगा और दूसरा ऑप्शन सम एश्योर्ड पॉलिसी पीरियड में बढ़ते रहेगा, इन दोनों ऑप्शन के प्रीमियम में क्या अंतर है, इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा जिसमें 50 लाख का सम एश्योर्ड इनिशियल सम एश्योर्ड होगा और फिर 20 साल, 30 साल और 40 साल की आयु में अगर कोई इस पॉलिसी को 20 साल के लिए लेता है तो कितना प्रीमियम देना पड़ेगा और इन दोनों ऑप्शन में कितना अंतर होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सारांश में जीवन अमर बीमा प्लान। तो LIC का जीवन अमर प्लान एक नॉन लिंक्ड, लाभ रहित ऑफलाइन टर्म बीमा प्लान है जो पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को वित्तीय संरक्षण प्रदान करता है। इस वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो LIC इंडिया की वेबसाइट www.licindia.in से ली गई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस उदाहरण में इनिशियल सम एश्योर्ड अमाउंट 50 लाख रुपए है, पॉलिसी पीरियड 20 साल का है और जो मैं प्रीमियम की बात करूंगा वो, तो अगर कोई इस प्लान को 20 साल की उम्र, 30 साल की उम्र या 40 साल की उम्र में खरीदता है तो कितना प्रीमियम अमाउंट लगेगा। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे समान बीमित राशि में क्या प्रीमियम आता है और बढ़ती हुई बीमित राशि में क्या प्रीमियम आता है। तो बढ़ती हुई बीमित राशि में ये समझ लें कि अगर 50 लाख का इनिशियल सम एश्योर्ड है तो वो बढ़ के 1 करोड़ तक हो सकता है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, जैसा कि मैंने पहले बताया कि LIC ने इस प्लान में कई सारे बेनिफिट्स और ऑप्शन ऐड किए हैं, तो वहीं प्रीमियम पेमेंट के टर्म में भी ऑप्शन ऐड हुए हैं। तो इसमें रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन है, लिमिटेड पीरियड के लिए प्रीमियम देने का ऑप्शन है और सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन है, बट सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन को एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। अब लिमिटेड पीरियड में भी दो ऑप्शन है, एक तो ये कि जो पॉलिसी टर्म है उसमें से 5 साल कम करके आप प्रीमियम दे सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि पॉलिसी पीरियड में 10 साल कम करके प्रीमियम पे कर सकते हैं। मतलब अगर 20 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो 20 में से 5 घटा दो 15 साल तक, या फिर 20 में से 10 घटा दो 10 साल तक, तो 15 साल या 10 साल तक प्रीमियम पे करने का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, फिर सिंगल प्रीमियम है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर एनुअल प्रीमियम की। तो अगर कोई 20 साल की उम्र में 50 लाख सम एश्योर्ड के लिए 20 साल की पॉलिसी लेता है तो सालाना प्रीमियम 4,356 रुपये आएगा उस ऑप्शन में जिसमें सम एश्योर्ड नहीं बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन जिसमें सम एश्योर्ड बढ़ते जाएगा उसमें सालाना प्रीमियम आएगा 5,715 रुपये। तो अगर इन दोनों के अंतर को देखें तो प्रीमियम अमाउंट में हर साल 1,359 रुपये का अंतर है। तो बढ़ती हुई बीमित राशि ऑप्शन चूज करने पे 1,359 रुपये हर साल ज़्यादा देने पड़ेंगे, बट तो भी से मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सम एश्योर्ड बढ़ते रहेगा तब तक जब तक कि 50 लाख का सम एश्योर्ड 1 करोड़ ना हो जाए। और दोस्तों, यहाँ पे ये जो रेगुलर एनुअल प्रीमियम बता रहा हूँ वो है सालाना 4,356 रुपये सालाना। तो अगर इसको हर महीने के हिसाब से देखें तो करीब 363 रुपये, सिर्फ 363 रुपये में 50 लाख का बीमा 20 साल की आयु के पर्सन को मिल सकता है। अच्छा, अब अगर लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं जिसमें पॉलिसी टर्म माइनस 5 ईयर्स, तो यहाँ पे पॉलिसी टर्म 20 साल का है तो 20 माइनस 5 15 साल, तो 15 साल के लिए अगर प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन चूज करते हैं तो उस समय प्रीमियम 5,104 रुपए हर साल देना पड़ेगा। वहीं दूसरा ऑप्शन जिसमें पॉलिसी टर्म माइनस 10 ईयर्स, तो इस ऑप्शन में 20 साल माइनस 10 मतलब 10 साल के लिए प्रीमियम देना पड़ेगा और प्रीमियम अमाउंट आएगा 6,556 रुपए। और वहीं अगर सिंगल प्रीमियम की बात करें तो सिंगल प्रीमियम होता है 48,928 रुपए। ये है समान बीमित राशि के लिए, मतलब सम एश्योर्ड जिसमें चेंज नहीं होगा। उसी को अब अगर बढ़ती हुई बीमित राशि में देखें तो
पॉलिसी टर्म माइनस 5 ईयर्स के लिए 6,660 रुपए प्रति वर्ष लगेंगे अगले 15 साल के लिए। वहीं अगर पॉलिसी टर्म माइनस 10 ईयर्स का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें 8,595 रुपए लगेंगे। और सिंगल प्रीमियम है 63,720 रुपए। तो दोस्तों ये प्रीमियम कैलकुलेशन तब हुआ जब पॉलिसी होल्डर 20 साल की उम्र में यह पॉलिसी 20 साल के लिए लेता है। अधिकतर केस में होता है कि पॉलिसी लेने का डिसीजन डिले होते रहता है, तो अब यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अब पॉलिसी लेने वाला 30 साल की उम्र में जीवन अमर प्लान 20 साल के लिए लेना चाहता है तो कितना प्रीमियम आएगा अगर सम अस्योर्ड 50 लाख रुपए है। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है कि रेगुलर एनुअल प्रीमियम 5,940 रुपए, पॉलिसी टर्म माइनस 5 ईयर्स में सालाना 6,952 रुपए, पॉलिसी टर्म माइनस 10 ईयर्स इस ऑप्शन में सालाना 8,932 रुपए और वहीं सिंगल प्रीमियम वाले ऑप्शन में 66,088 रुपए लगेंगे। वहीं अब अगर बढ़ती हुई बीमित राशि के लिए प्रीमियम की बात करें तो इसमें रेगुलर एनुअल प्रीमियम 8,415 रुपए, पॉलिसी टर्म माइनस 5 मतलब 20 माइनस 5 15 साल के लिए, अगर 15 साल के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन चूज करते हैं तो सालाना 9,900 रुपए, पॉलिसी टर्म माइनस 10 ईयर्स मतलब 20 साल माइनस 10 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन चूज करता है तो 12,870 रुपए सालाना, और वहीं सिंगल प्रीमियम में 94,095 रुपीज। तो अब जरा यहाँ पे डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो जो रेगुलर प्रीमियम समान बीमित राशि में है और बढ़ती हुई बीमित राशि में है, इन दोनों के अंतर को देखें तो 30 साल की उम्र में 50 लाख की पॉलिसी 20 साल तक के लिए लेने पे सालाना 2,475 रुपए का प्रीमियम में अंतर पड़ता है। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 40 साल की उम्र में कोई अगर जीवन अमर प्लान इनिशियल 50 लाख के सम एश्योर्ड के लिए 20 साल के लिए लेना चाहता है तो प्रीमियम अमाउंट कितना आता है। तो दोस्तों समान बीमित राशि के लिए रेगुलर एनुअल प्रीमियम अमाउंट आता है 11,475 रुपए, वहीं पॉलिसी टर्म माइनस 5 ईयर्स के लिए 13,545 रुपए, पॉलिसी टर्म माइनस 10 ईयर्स के लिए 17,595 रुपए और सिंगल प्रीमियम ऑप्शन के लिए 1,27,395 रुपए। वहीं अगर बढ़ती हुई बीमित राशि के लिए प्रीमियम अमाउंट को देखें तो अगर कोई 40 साल की उम्र में 50 लाख इनिशियल सम एश्योर्ड के लिए 20 साल के लिए पॉलिसी लेता है तो रेगुलर एनुअल प्रीमियम 17,664 रुपए, पॉलिसी टर्म माइनस 5 ईयर्स ऑप्शन के लिए 20,838 रुपए, पॉलिसी टर्म माइनस 10 ईयर्स ऑप्शन के लिए 27,232 रुपए और सिंगल प्रीमियम के लिए 1,95,868 रुपए आता है। इसमें भी अगर हम डिफरेंस को देखें तो इसमें डिफरेंस अब बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं डिफरेंस रेगुलर एनुअल प्रीमियम अमाउंट पे दिया हूँ। तो बढ़ती हुई बीमित राशि के लिए 17,664 रुपए सालाना प्रीमियम, समान बीमित राशि के लिए 11,475 और दोनों का अंतर होता है 6,189 रुपए। तो दोस्तों इस टेबल से आपको एक रफ आइडिया तो जरूर हो जाएगा कि आप कौन से एज ब्रैकेट में आ रहे हैं और उसके हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेट कितना प्रीमियम लगेगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि अगर हम रेगुलर एनुअल प्रीमियम को देखें और लिमिटेड टर्म प्रीमियम को देखें तो लिमिटेड टर्म प्रीमियम अमाउंट ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे हम बढ़ती हुई बीमित राशि में देखते हैं जहाँ पे 30 साल की उम्र में यह पॉलिसी 20 साल के लिए लिया जा रहा है जिसमें इनिशियल सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि रेगुलर एनुअल प्रीमियम 8,415 रुपए, वहीं पॉलिसी टर्म माइनस 10 इसमें प्रीमियम अमाउंट आ रहा है 12,870 रुपए। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो रेगुलर प्रीमियम जो है वो पूरे 20 साल तक देना पड़ेगा, मतलब 8,415 रुपए पूरे 20 साल तक देना पड़ेगा। वहीं लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में 12,870 सिर्फ 10 साल तक देना पड़ेगा। तो अब अगर इन दोनों के डिफरेंस को देखें तो भले ही प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है लेकिन जब डिफरेंस को देखते हैं तो डिफरेंस में
करीब 40,000 का डिफरेंस हो जाता है और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में पैसा कम देना पड़ता है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक डिफरेंस आपको बताने की कोशिश की है, आप चाहे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ऐड करके देख सकते हैं कितना डिफरेंस आता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो भी डिटेल बताया हूँ LIC के जीवन अमर के प्रोडक्ट वाउचर में अवेलेबल है, आप वहाँ से और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन बताने का उद्देश्य यही था कि आप इन अलग अलग ऑप्शन को और उसके प्रीमियम को आसानी से समझ सकें। दोस्तों डिस्क्लेमर कि पॉलिसी खरीदने से पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ लें, यह वीडियो आपको जानकारी देने के लिए बनाई गई है। आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।